आज हम समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत समांतर रेखाओं की परिभाषा, इन रेखाओं की विशेषताएं एवं इन विशेषताओं के अंतर्गत अंतःखंड एवं विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो दी गई दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर हमेशा बराबर हो तो ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस उदाहरण को देखें। इस उदाहरण में P और Q दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से P और Q रेखा के बीच की दूरी, यहां से इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी और यहां से भी हमेशा बराबर है, अर्थात P और Q रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। यह उदाहरण देखें। इस उदाहरण में P और Q दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी और यहां से इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं है, अर्थात P और Q रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो अभी हमने समांतर रेखाओं की परिभाषा के बारे में जाना। आइए अब समांतर रेखाओं को आम जिंदगी में देखें। तो यह दो उदाहरण है जो कि आम जिंदगी के उदाहरण है। यहाँ पर रेल पटरियां एक दूसरे के समांतर होती है क्योंकि इन दोनों पटरियों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। इसी प्रकार इन सीढ़ियों में देखें, इस और इस सीढ़ी के बीच की दूरी हमेशा बराबर है, अर्थात यह सीढ़ी और यह सीढ़ी एक दूसरे के समांतर। गणित में समांतर रेखाओं को एक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर P और Q रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर है। समांतर रेखाओं को गणित में इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर P और Q रेखाएं एक दूसरे के यहाँ समांतर दी गई है तो हम इस प्रकार गणित लिख सकते हैं। इस चिन्ह के द्वारा हम गणित में समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमने समांतर रेखाओं की परिभाषा को जाना। अब अंतःखंड एवं इनके विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अंतःखंड को जानने के लिए इस उदाहरण के जरिए हम अंतःखंड को जानते हैं। यहाँ पर P रेखा और Q रेखाएं हैं और ये R रेखा P और Q रेखा की तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा इसलिए क्योंकि यह Q रेखा को एक बिंदु B पर काट रही है। इसी प्रकार P रेखा को ए बिंदु पर काट रही है। यहाँ पर यह AB रेखा आर रेखा का अंतःखंड है। अंतःखंड और किन रेखाओं द्वारा? इन पी और क्यू रेखाओं द्वारा। तो ए बी अंतःखंड है आर रेखा। आइए दूसरे उदाहरण से समझें। यहाँ पर P रेखा तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा क्यों? क्योंकि यह M, N और L रेखा को A, B और C बिंदु पर काट रही है। यहाँ पर AB अंतःखंड है P रेखा का और M और N रेखाओं द्वारा बनाई जा रही है यह अंतःखंड। और यहाँ पर BC अंतःखंड P तिर्यक रेखा का है, लेकिन किन रेखाओं द्वारा बनाई जा रही है? N और L रेखाओं द्वारा। यहाँ पर AB और BC अंतःखंड है। अभी हमने अंतःखंड के बारे में जाना। अब हम अंतःखंड एवं समांतर रेखाओं की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो यह दो उदाहरण देखें। इस पहले उदाहरण में P, Q और R रेखा एक दूसरे के समांतर दी हुई है और P और Q रेखा के बीच की दूरी और Q और R रेखा के बीच की दूरी भी बराबर दी हुई है। अगर हम कोई भी एक तिर्यक रेखा खींचे, मान लेते हैं M, जो कि P, Q, R रेखाओं को A, B, C बिंदु पर काट रही है, तो यह ए बी भी बी सी के बराबर है।
इसी प्रकार अब कोई और तिर रेखा खींचे मान लेते हैं एम, जो कि डी ई एफ बिंदुओं पर पी क्यू आर रेखाओं को काट रही है, तो डी ई ई एफ के बराबर है। ए बी का अनुपात बी सी से एक होगा और डी ई का अनुपात ई एफ से भी एक। तो हम कह सकते हैं ए बी का अनुपात बी सी से, डी ई का अनुपात ई एफ से बराबर है। इस उदाहरण में देखें, इस उदाहरण में भी x, y और z एक दूसरे के समांतर है और यहाँ पर y, z रेखा के बीच की दूरी दुगनी है x, y रेखा के बीच की दूरी से, अर्थात x, y का अनुपात y, z से एक बाय दो है। तो अगर हम कोई भी एक और तिरंग रेखा पीछे मान लेते हैं b, जो कि m, n, o बिंदुओं पर x, y, z रेखा को काट रही है, तो एम एन का अनुपात एम दो से एक का दो। इसी प्रकार अगर हम कोई और तिरंग रेखा मान लेते हैं ए खींचे, जो कि पी क्यू आर बिंदु पर काट रही है, तो पी क्यू का अनुपात क्यू आर से भी एक का दो है। यहाँ पर एम एन का अनुपात एम दो से पी के अनुपात क्यू आर से बराबर है। इन दोनों उदाहरण में देखें, यह अनुपातों का बराबर होना इन दोनों में सामान्य है। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी समांतर रेखाओं द्वारा किसी तिर्यक रेखा पर निर्मित अंतःखंडों की लंबाइयों का अनुपात और उन्हीं समांतर रेखाओं द्वारा किसी अन्य तिर्यक रेखा पर निर्मित अंतःखंडों की लंबाइयों का अनुपात समान होते हैं। आइए इस उदाहरण द्वारा इसे समझें। यहाँ पर पी क्यू रेखा एक दूसरे के समांतर है और M और N यहाँ पर तिर्यक रेखाएं हैं। अगर यह दिया हुआ है कि P, Q और समांतर रेखाएं हैं, तो AB का अनुपात BC से, DE के अनुपात EF से बराबर। आइए इस पर एक सवाल करें। तो इस उदाहरण में प्रश्न दिया हुआ है P, Q और R एक दूसरे के समांतर है और N और M रेखाएं तिर्यक रेखा है, जो कि A, B, C बिंदु पर P, Q, R को काट रही है और M, D, E, F बिंदुओं पर P, Q, R को काट रही है। प्रश्न दिया है कि A, B के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, BC अंतःखंड के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है और DE अंतःखंड के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर और हमें EF का मान ज्ञात करना है। EF की लंबाई को ज्ञात करना है, क्योंकि PQR रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो DE का अनुपात EF से, AB के अनुपात BC से बराबर होगा। डीई का मान हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ईएफ का नहीं पता तो हम ईएफ लिख देते हैं, एबी का मान 6 सेंटीमीटर और बीसी का 8। ईएफ की लंबाई हो जाएगी 7 × 6। तो इस प्रकार हमने अंतःखंड एवं समांतर रेखाओं की विशेषताओं के बारे में जाना। अब एक और विशेषता के बारे में जानते हैं, सिर्फ रेखा का विभाजन है। तो आइए अब रेखा को किस प्रकार बराबर भागों में विभाजित कर सके इन गतिविधियों के बारे में। तो मान लेते हैं कि रेखा को तीन बराबर भागों में बांटता है और प्रश्न दिया है कि रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इस 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली रेखा को तीन बराबर भागों में बांटता है। तो
किस प्रकार हम रेखा को तीन बराबर भागों में बांटे, आइए गतिविधियां देखें। तो पहली गतिविधि है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली पीक्यू रेखा को पैमाने के द्वारा खींचे, या पीक्यू रेखा को हमने पैमाने के द्वारा 10 सेंटीमीटर की लंबाई को खींचा। दूसरी गतिविधि है कि अब बिंदु P से एक न्यून कोण बनाए, इस बिंदु P पर शानदार रखें एवं एक न्यून कोण बनाए जो कि 90 डिग्री के कोण से कम हो, और इस रेखा को PS नाम दें। अगली गतिविधि देखें, अब Q से भी उतने ही कोण वाली रेखा बनाए, जिस प्रकार आपने P से एक कोण बनाया था उसी प्रकार Q से भी शानदार रखकर उतना ही कोण बनाए और इस रेखा को QR नाम दें। अगली गतिविधि है, अब प्रकार के दोनों सिरों के बीच उपयुक्त दूरी लेकर उसके नुकीले सिरे को P पर रखें और P1 बिंदु प्राप्त करें। इस P बिंदु पर प्रकार के नुकीले सिरे को रखें और एक P1 बिंदु प्राप्त करें। इसी प्रकार Q पर भी नुकीले सिरे का प्रकार रखें एवं Q1 बिंदु प्राप्त। यहाँ पर ध्यान रखें कि P से P1 की दूरी और Q से Q1 की दूरी बराबर होगी। अगली गतिविधि देखें, यहाँ पर अब बिंदु P1 पर प्रकार रखें और जितनी दूरी P से P1 की थी उतनी दूरी पर रेखा PS बिंदु पर P2 प्राप्त। हमने P1 रेखा को हमने प्राप्त किया था, अब हम P2 बिंदु को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि प्रकार के नुकीले सिरे को P1 पर रखेंगे और एक P2 बिंदु प्राप्त करेंगे, और यह दूरी P1 से P2 की दूरी P से P1 की दूरी के बराबर होगी। इसी प्रकार P2 पर प्रकार का नुकीला सिरा रखें एवं P3 बिंदु प्राप्त करें, और P3 से P2 की दूरी और P2 से P1 की दूरी और P से P1 की दूरी बराबर होगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी P1, P2 और P3 बिंदुओं को प्राप्त करें। अगली गतिविधि देखें, अब बिंदु P3 को बिंदु Q से जोड़ें, P2 को Q1 से जोड़ें और P1 को Q2 से एवं P से Q3 को जोड़ें। P1 Q2 PQ पर A बिंदु पर काट रही है, P2 Q1 PQ रेखा को B बिंदु पर काट। आइए अब अगली गतिविधि देखें, आप देखेंगे कि PQ रेखा 3 बराबर भागों में विभाजित हो, या PA, AB और BQ एक दूसरे के बराबर। यहाँ पर ध्यान से देखें, यह जो हमने रेखाओं को इन बिंदुओं को जोड़ा था तो यह रेखाएं P3Q, P2Q1, P1Q2 और PQ3 यह चारों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पर हम समांतर रेखाओं की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार हमने PQ रेखा को 3 बराबर भागों में विभाजित किया। अगर PQ को 4 या 5 से ज्यादा बराबर भागों में विभाजित करना है तो आपको इस प्रकार से विभाजित करना होगा, क्योंकि हमने इसे 3 भागों में विभाजित किया तो हमने 3 बिंदुओं को प्राप्त किया। अगर आपको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है तो 4 बिंदुओं को प्राप्त करें, इस PS रेखा पर भी और इस QR रेखा पर भी, और इसी प्रकार दो रेखाओं को जोड़ दें और आप देखेंगे कि PQ रेखा 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। तो आज हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने समांतर रेखाओं के बारे में जाना। तो इस उदाहरण में देखिए P और Q रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर है। P और Q रेखाएं समांतर हैं, तो इसे इस प्रकार हम गणित में दर्शाते हैं। दूसरी चीज हमने अंतःखंड के बारे में जाना, यहाँ पर R रेखा तिर्यक रेखा है क्योंकि यह P और Q रेखाओं को A और B बिंदु पर काट रही है, तो यहाँ पर AB आर रेखा का अंतःखंड, आर रेखा का अंतःखंड। तीसरी बात हमने जानी अंतःखंड एवं समांतर रेखाओं की विशेषता के बारे में। अगर ए बी और सी एक दूसरे के समांतर दी गई है तो XY का अनुपात YZ से, PQ के अनुपात QR से,
बराबर। और चौथी बात हमने रेखा को विभाजन करने के बारे में जाना, किस प्रकार हम ए बी रेखा को कई बराबर भागों में विभाजित कर सके उसके बारे में मैंने आपको बताया। यहां पर मैंने ए बी रेखा को 3 बराबर भागों में विभाजित किया है, अर्थात ए पी, बी क्यू और क्यू बी एक दूसरे के बराबर है। हमने इसे किस प्रकार विभाजित किया, सबसे पहले ए बी रेखा की चित्र माने के द्वारा एवं उसके बाद ए पर न्यून कोण बनाए, उसी प्रकार बी पर भी उतना ही कोण का कोण बनाए। कोण बनाने के बाद ए वन बिंदु प्राप्त करें और यहाँ पर बी वन बिंदु प्राप्त करें। बी से बी वन की दूरी और ए से ए वन की दूरी बराबर होगी। जिस प्रकार ने ए वन बिंदु प्राप्त किया ए पर सरकार के नुकीले सिरे को रखकर, उसी प्रकार ए वन पर सरकार का नुकीला सिरा रखें और ए टू बिंदु प्राप्त करें। और यहाँ पर ध्यान दें कि ए से ए वन की दूरी और ए वन से ए टू की दूरी बराबर होगी। इसी प्रकार ए थ्री बिंदु प्राप्त करें, ए टू पर सरकार का नुकीला सिरा रखें। और इसी प्रकार बी वन बी टू और बी थ्री बिंदु प्राप्त करें और ए से बी थ्री के जोड़ दें, ए वन को बी टू से, ए टू को बी वन से और ए टू को बी से। इस प्रकार ए बी 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाए। तो आज हमने समांतर रेखाओं के बारे में जाना।